अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मी अल मक्कीयिल मदनीयिल कुरैशीयित तहाम्मी अस्सादिक़िल अमीन अल्लज़ी ख़तम बिहिन नबिय्यीन व अरसलहु रहमतन लिल आलमीन अल बशीरुल मुसद्दद व नज़ीरुल मुअय्यद व सय्यिदुल मुमज्जद अबिल क़ासिम मुहम्मद वहल बैत तय्यबीन ताहरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वरहमतुल्लाह अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन मिन अलअव्वलीन वलआख़िरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन अल-बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर सलवात अलैहि। कुरान करीम के दूसरे सूरह अल-बकरा की 151वीं आयत से हम बराबर आपके सामने खिताब करते रहे ज़मानों से, और ये उससे तकरीबन 22 आयत के बाद 25 आयत के बाद उसी सूरह की 177वीं आयत है 177। इस बार मैं इसी पर आपके सामने इसको सामने रख कर इसी की बरकतें जो इस आयत की हैं हासिल करूँगा और आप लोगों को भी पहुँचाऊँगा। ये भी हम आपसे कहते हैं कि मौजू हमेशा हमने मुकर्रर किया शुरू से आज तक, सबसे पहली बार जब इस मेंबर पर इस अशरा मजालिस में हम 52 साल पहले बैठे थे तो उस वक्त हमारा मौजू था मुसलमान और इस्लाम, मुसलमान और खुदा। और फिर उस पर हमने, ताकि हमको ये मालूमात हमारे बढ़ें और आपके सामने भी मालूमात आएँ। आदमी समझता है कि हम मजलिस पढ़ने आए तो बस अब हमने सबको काबिल बना दिया। ये वही सोचता है कि जो अपने को हमेशा के लिए काबिल समझ लेता है, बस हमसे ज़्यादा कोई नहीं। ये होता है ऐसा, जबकि मिंबर पर आने वाला ये समझ कर अगर आए कि वो ख़ुद कुछ देख कर आए ताकि उसके अपने मालूमात में भी इजाफा हो, तब बेहतर है। इस 52 साल में हमारे मालूमात में इन मजालिस की वजह से भी बहुत इजाफा हुआ। इस मेंबर का ये एहसान रहा कि इस मेंबर की वजह से हमारे अपने मालूमात में 52 साल मुसलमान और खुदा, फिर मुसलमान और रसूल, फिर मुसलमान और कुरान, फिर मुसलमान और हदीस, फिर मुसलमान और खाने काबा, फिर इस तरह हम 10 मजलिसें जब मैं मुसलमान और काबे पर अशरा पढ़ रहा हूँ तो उस वक्त मैं खाने काबा में एक शख्स घुस गया था जो बगावत कर रहा था और वहाँ उसको मारा गया पानी भर के तहखानों में। उस वक्त मैंने इस मौजू पर मुसलमान और काबा 10 मजलिसें पढ़ी थी तो तैयारी करना पड़ी। एक मजलिस खाली मुसलमान और काबे को पढ़ दीजिए, दो पढ़ दीजिए, लेकिन पूरा अशरा। जिसके बाद हमारे बुज़ुर्ग होते थे जनाब हकीम सैयद मोहम्मद तकी साहब आला मकामा, जिनके पोते हैं हमारे ये दोनों, जो इस वक्त माशाअल्लाह पूरी दुनिया में अपनी ज़ाकिरी खिताबत में जो जिनमें जनाब मीसम जैदी साहब, उनके बड़े भाई जनाब मुत्तकी जैदी साहब, ये दोनों बहुत कम सिन थे उस वक्त। इनके दादा जनाब सैयद मोहम्मद तकी साहब जिन्होंने ये शुरुआत की थी जो आज आप 19 रमज़ान को गिलीम का ताबूत लेकर आते हैं, उन्हीं की शुरुआत। उन्होंने मुझसे ये फरमाया था उस अशरे के बाद, पुरानी बात याद आ गई इसलिए कह रहा हूँ, कि तुमने ये जो अशरा पूरा पढ़ा है खाने काबा पर, हम चाहते हैं इसको पूरी किताबी शक्ल कर दिया जाए। आपको इख्तियार है। इस तरह हर साल का आशरा मेरा जो है उसके लिए मुसलसल जाने कितने लोगों ने यह कहा कि इसको किताबी शक्ल कर दिया जाए। तो हम खुश होते थे कि हमने जो देखा वो आप तक बयान किया, और जो ऐसे बुज़ुर्ग लोग के जो मजालिस और सब चीज़ों, इसलिए कि मौलूद हरम उन्हीं का कायम किया हुआ है। उसके पोस्टर बड़े बड़े छपते थे, जश्न मौलूद हरम, नमाज बइक़्तिदाए सरकार ताजुल उलमा, मेरे वालिद साहब का नाम होता था कि ये नमाज पढ़ाएंगे। खिताबत के लिए बुजुर्गान उलमा में आहिस्ता आहिस्ता जनाब मौलाना मोहसिन नवाब साहब क़िबला हमारे उस्ताद भी थे, वो इसलिए मैं आपसे इस बात को कह रहा हूँ कि 52 साल की हमारी मेहनतें हर साल के अशरे की वो हैं कि अगर उसको हम रिकॉर्ड को महफूज कर देते तो शायद ये 52 किताबें होती। और इस तरह हमारी बहुत सी चीज़ें जो खैर जो हम मेहनत करते हैं आप तक आते हैं। इस साल का हमारा मौजू जो है वो है कुरान करीम, इस्लाम और अहले बैत अतार। सलावत पढ़ूँगा। नारे हैदरी, नारे सलावत। इधर आ जाइए सामने, अच्छा लगेगा। आगे आ जाइए, आ जाइए। कुरान करीम, इस्लाम और अहले बैत अतार, यह हमने इसलिए मुय्यन किया है। ये जो हमारे सामने तशरीफ़ फरमाई हमारे लिए बच्चे हैं, लेकिन में हर एक अपनी जगह उस्ताद है। इस मदरसे में भी और मदरसों में इराक़, ईरान, सब जगह की आला तालीम हासिल किए हुए हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। माशाल्लाह, ये तो प्रिंसिपल हैं यहाँ, जिस तरह ये सब आला तालीम नजफ़ अशरफ कौम सब हासिल करके बैठे हैं, यूँ ही नहीं बैठे हैं। ये समझ कर अगर सुन लें कि हाँ भाई हमारे बुज़ुर्ग हैं जो चाहे पढ़ दें तो बस चुपचाप रहो, इनको पूरा हक़ है। इल्मी तालीमी एतबार से कहीं भी इनको ये महसूस हो ये बात सही नहीं है तो चाहे उसी वक्त पूछ लें या बाद में कह लें। मेंबर का तकाज़ा ये कि फ़ौरन नहीं कहा जाता, और इसी का फ़ायदा उठाकर कितने खुतबा ऐसे हैं जो कुछ नहीं जानते मगर आपको पहचानवाना चाहते हैं अपने को। अगर मैं यहाँ कुछ जुमले कह दूँ बड़े तल्ख हो जाएंगे। इस मिंबर के ज़रिए अहले बैत को नहीं पहचानवाना चाहते, उनकी तालीमात को नहीं पहचानवाना, अपने को। हम इस अशरे मजालिस में जब मेरे उस्ताद मौलाना मोहसिन नवाब साहब क़िबला खिताब फरमाते थे उस वक्त मैं इराक़ में पढ़ रहा था, और जब मैं यहाँ आया हूँ तो उसके बाद कुछ अरसे के बाद यहाँ मुझे, क्योंकि मैं सन 59-58 में चला गया था इराक़, और सरजमीन इराक़ पर उससे पहले भी जा चुका था ज़ियारात के लिए, और उससे पहले भी जा चुका था अपने वालिद के साथ तालीमात जब हासिल आगोश मादर में था, और फिर अपनी तालीमात के लिए गया। हमें फ़ख्र है कि हमारी पहली बिस्मिल्लाह एक आलम वक्त की आगोश में हुई, जिनका नाम था हज़रत आयतुल्लाह मरहूम सैयद अबुल हसन इस्फ़हानी, जिनको मुझे चेहरा याद है उनकी गोद में बैठ कर। वालिद साहब सामने बैठे हैं, रस्म बिस्मिल्लाह मेरी अंजाम दी जा रही है, एक आलम की गोद में बैठकर मैंने पहली बिस्मिल्लाह पढ़ी है। और आखिरी दर्स मेरा हज़रत आयतुल्लाह सैयद मोहसिन हकीम आगा खुई रहमतुल्लाह अलैह, आयतुल्लाह, इन सब के शागिर्दों की हैसियत से मेरे आखिरी दर्स वो हैं। इसलिए मैं फ़ख्र से कहता हूँ मेरी इब्तिदा भी किसी आलम की गोद से है और इंतहा भी आलम की गोद। हमने इस बात को जब ईरान में अपने रिश्ते में दादा होते थे, वैसे हम उन्हें चचा कहते थे, अल्लामा सैयद तैयब जज़ायरी रहमतुल्लाह अलैह, वो ईरान में मैं उनसे आखिरी मुलाकात या उससे पहले वाले सफ़र में तो यही जिक्र हो रहा था मराजे और उलमा और आलम हजरात का। तो मैंने उनसे मोहब्बत में कह दिया, चचा मुझे भी फ़ख्र है कि मैं दो आलमों के दरमियान हूँ, बल्कि तीन के दरमियान। एक आलम आगा अबुल हसन इस्फहानी जिन्होंने मेरी बिस्मिल्लाह पढ़ाई हिंदुस्तान आते ही, दूसरे आलम मेरे दादा सरकार रज़ीउल उलमा जिनके लिए जब आगा बरजर्दी का इंतकाल हुआ तो मस्जिद आसिफी में सरकार रहमतुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह आयतुल्लाह रज़वा जनाब मौलाना सैयद कल्बे हुसैन साहब क़िबला हमारे मरहूम दोस्त सैयद कल्बे सादिक़ साहब के वालिद, उन्होंने वहाँ मस्जिद आसिफी में जो ताज़ियती जलसा हुआ था आगा बरुजर्दी के इंतकाल पर, मुझे अब तक याद है ये पूरी रिपोर्ट उस वक्त के सरफराज अखबार में शाये हुई है, जिसका दिल चाहे देख लेगा उस वक्त कि आलमी उन्होंने फरमाया कि मेरे सामने आलमियत मुतलक़ा दो मौक़ों पर हुई है। एक ज़माना था कि तकलीद में मुक़ल्लिदीन में तमाम दुनिया के लोगों में बात तकसीम थी दो के दरमियान, एक आगाए सैयद अबुल हसन इस्फहानी और दूसरे आगाए सैयद नजमुल हसन हमारे दादा परदादा, इनके दरमियान आलमियत तकसीम थी। जब नजमुल मिल्लत का इंतकाल हो गया तो आलमियत मुतलक़ा आगाए इस्फहानी के लिए हो गई। मौलाना कल्बे हुसैन साहब क़िबला फरमा रहे हैं, हमारे अजीज़ जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब क़िबला के दादा। उसके बाद उन्होंने फरमाया कि वैसे ही इस वक्त हुआ है कि आलमियत तकसीम थी दो के दरमियान, एक आगाए हकीम सैयद मोहसिन हकीम और एक आगाए सैयद हुसैन बरुजर्दी, दोनों मराजे आयतुल्लाह अलउज़्मा मरहूम सैयद हुसैन बरुजर्दी के इंतकाल के बाद अब वो पूरी आलमियत सिर्फ आगाए हकीम की तरफ है। तो आलमियत मुतलक़ा उन्होंने फरमाया दो मौक़ों पर हमने देखी, एक जब नजमुल मिल्लत का इंतकाल हुआ तो आगाए इस्फहानी और एक आगाए बरुजर्दी का इंतकाल हुआ तो आगाए हकीम। जो उस वक्त के आप सबको फ़ख्र करना चाहिए कि आपके हिंदुस्तान में सरज़मीन पर वो लोग थे जिनको आगा इस्फहानी भी आलमियत की मंजिल पर मानते थे। और वो कौन थे? इस मदरसे के बानी और यानी कितने मदारिस के बानी, खुशिया कॉलेज के बानी। एक सलावात भेजें मोहम्मद और नजमुल मिल्लत खुद बहुत कमसिनी से किसकी शागिर्दी में थे, जिनको हमारे दोस्त जिनका इंतकाल हो गया अरसा हुआ आयतुल्लाह अलमरहूम जनाब आगा नजफ़ी, वो शागिर्द थे उनके आगा लंकरानी के। उन्होंने एक दर्स में कहा कि मेरे सामने वो शख्सियत के जो कहे जाने के मुस्तहिक़ है, आलम जिनको अल्लामा मुतलक़न कहा जा सके इस शर्त के साथ, वो मुफ्ती मोहम्मद अब्बास शुस्तरी हैं। और उन्होंने ये भी फरमाया कि जब आगाए लंकरानी और बाज़ उलमा उनके सामने आगाए मोहम्मद अब्बास शुस्तरी जो आप ही के जिनका खानवादा सामने, जब वो उनका नाम उन बुजुर्गान उलमा के सामने नजफ़ में लिया जाता था, सिर्फ नाम ले लिया जाए तो ताज़ीम में खड़े हो जाते थे। ये अदब था। मैं इस बात को कहूँ तो बड़ा वक्त सर्फ हो, तो मैंने अपने चचा से कहा कि ये मुझे फ़ख्र है, तो उनका जुमला जिसको मैं बाद में आपसे किसी मजलिस में पढ़ूँगा और बयान करूँगा, जिसमें उन्होंने फरमाया अब समझ में आया कि तुम ऐसे क्यों हो, इसलिए कि तुमने आगाए इस्फहानी से अगर बिस्मिल्लाह पढ़ी थी तो उनके बारे में उन्होंने एक वाक़या बयान किया जिसके गवाह ये हमारे बेटे बैठे हैं जनाब तनवीर मियाँ, जिसके गवाह रहे। ये वाक़या उन्होंने बयान किया, वो वाक़या इतना लतीफ़ है, इतना अच्छा है कि आगे किसी मजलिस में बयान करूँगा, जिससे आपकी उस रूहानियत में इजाफ़ा होगा जो आपकी इल्मियत जो अहले बैत अतहार से वाबस्ता है और जो अक़ीदत उनसे वाबस्ता है उसमें और इजाफ़ा होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद आए। अज़ीज़ान गिरामी, हमने आपके सामने कुरान करीम, इस्लाम और अहले बैत इसलिए इख्तियार किया है कि सिर्फ हम और आप नहीं, तमाम दुनिया तक ये आवाज़ दब जाएगी रिकॉर्ड होकर। तो वो समझ लें कि कुरान करीम के ज़रिए से इस्लाम पहचाना जाएगा, मगर ख़ुद इस्लाम किसके ज़रिए पहचाना जाएगा? याद रखो, कुरान नहीं पहचाना जा सकता, मगर ये कि ठीक से पहचान ले तो इस्लाम को समझ ले, और इस्लाम नहीं समझा जा सकता जब तक कि उनको ना समझना चाहे जो अहले बैत अतार है। कोशिश करता हूं कि महदूद करूं अपनी फिक्री का कैफियत को, ताकि वक्त के अंदर बात ख़त्म हो, वरना यहाँ बयान करूं, ये करूं, बहुत कुछ है। और उसके लिए मैंने अपने बच्चों से कहा, जरा कुरान मजीद करीब में रखें। मैं अक्सर इन मजालिस में आपके सामने कुरान करीम सामने खोल कर बात करूँगा, ताकि जहाँ तक बात जाए वो ये ना समझे बस पढ़ दिया इन्होंने, कुरान सामने हो। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, शायद अभी कह ले जाऊँ, आज नहीं कह सका तो कल कहूँगा, कल इंशाल्लाह या परसों। इरादा नहीं था आपकी मेंबर पर आने का, लेकिन हमारे सलीम मियाँ ने और दूसरे हजरात ने, क्योंकि अभी परसों मैं दिल्ली के करीब था और वहाँ से आकर बहुत थक चुका हूँ, वायदा था तो पूरा करना था। दोस्तों अजीज़ों, कुरान करीम से इस्लाम इसलिए पढ़ रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि किसी को भी जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए, मैंने क्या कहा, कुरान करीम से इस्लाम, और इस्लाम पहचाना जाएगा अहले बैत अतार से। अब अगर कोई अहले बैत अतार का शैदाई होने का नाम ले तो समझिएगा हाँ ये मुसलमान है। अगर अहले बैत अतार से अक़ीदत का इज़हार करे तो समझ लीजिएगा कि ये मुसलमान है, इस्लाम पर है। बस ये रिश्ता बाकी रहेगा उसका, अगर आपके सामने उसका रिश्ता कुरान से बाकी है, और अगर ये रिश्ता उसने इस्लाम अहले बैत का तो पेश किया मगर कुरान से काट दिया अपने रिश्ते को, तो ना वो कुरान वाला रह गया, ना इस्लाम वाला रह गया, ना अहले बैत वाला रह गया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं रह गया। इस मदरसे में यही सब पढ़ाया जाता था। मैंने बयान किया आपसे कि सरकार नबी मिल्लत इसके बानी मौलाना जनाब अब्बास अली खान साहब और इसकी तायद करने वालों में आपके जद जनाब मौलाना आयतुल्लाह मरहूम जनाब मौलाना सैयद अबुल हसन अबू साहब किबला, बुजुर्गान उलमा जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियतें। तो हमने ये पढ़ा, सीखा। आपसे कह रहे हैं एक बात को यहाँ से थोड़ी देर तवज्जो करना। जो लोग कुरान करीम पर, आज मैं अपने तमाम मुल्क के उन भाइयों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बयान करूँगा बात की मजालिस में, मैं आपके शकूक और शुबहात को दूर करूँगा। जो आपके शकूक और शुबहात हैं कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में, अहले बैत को तो मैं जानता हूँ कि आप सब अहले बैत अतार का एहतराम करते हैं, लेकिन कुरान से अहले बैत तक आते आते या अहले बैत अतार से कुरान तक जाते जाते आप परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान हो जाते हैं? इसलिए कि बीच में कुरान से अहले बैत के दरमियान अपना रिश्ता काट देते हैं। अगर रिश्ता न कटे तो ठीक से कुरान भी समझ में आएगा, इस्लाम भी समझ में आएगा। पढ़े सलावत मोहम्मद। सवाल ये किया गया कि हिंदुस्तान में, यहीं पर मौजूद ठीक है, हिंदुस्तान में शीयत की तारीख जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में शीयत की तारीख़ या उलमा की तारीख़ या अहले बैत अथार से मुतालिया कुरान पर आगे हम बयान करेंगे बहुत मुहकम मुदल्लल दलाइल के साथ कि हिंदुस्तान में शीयत की तारीख़ क्या है, तारीख़ से बयान करेंगे अभी नहीं क्योंकि अगर मैं चला गया तो ये सब गुफ्तगू रह जाएगी। कल परसों में इंशाअल्लाह आप मुतमईन होंगे। सलावत पढ़ें मोहम्मद अली। तो हमारे सामने कुरान करीम और अहले बैत, कुरान इस्लाम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, यूँ ख्याल करें आप। एक मिसाल छोटी सी देता हूँ। जो लोग दावा करते हों कि उन्होंने पूरा कुरान पढ़ा और कुरान समझ में आया उनकी, तब उन्होंने ये कह दिया और वो कह दिया, मैं अपने हिंदुस्तानी भाइयों से कहूँगा अगर आप माशाल्लाह 1400 बरस हो गए आपको और हम लोगों को साथ सब मिलकर रहते हुए, तो जिस कुरान करीम के मानने वालों को यहाँ आने के साथ ये भी मैं एक जुमला कह दूँ, हमारे मुल्क में, इस देश में, हिंदुस्तान में उनको इज़्ज़त और एहतराम का मर्तबा दिया गया जो कुरान और अहले बैत के ज़रिए इस्लाम समझाने आए। और मैं दलील देता हूँ फ़ौरन यहीं पर। जब शाह मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान आए, शाह मोइनुद्दीन चिश्ती जब हिंदुस्तान आए तो उनका हुलिया जो तारीख़ में लिखा गया है वो ये है कि उनकी एक तरफ एक लुटिया कंधे के साथ लटकी हुई थी, डोरी से बंधी हुई, और एक तरफ कुरान करीम था हिमायल, गले में कुरान करीम हिमायल, एक तरफ लुटिया, एक तरफ एक छोटा सा लेटने बैठने उठने के लिए एक मुसल्ला या उसी में लेट लें। शाह मोइनुद्दीन चिश्ती सिर्फ कुरान लेकर आए थे लेकिन पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने जो कुरान का मैसेज दिया वो आज पूरे भारत को क्या पूरी दुनिया को उतना याद नहीं रहा जितना उनका दूसरा मैसेज याद है। माशाल्लाह मेरा समझदार मजमा समझ गया। एक सलावात पढ़ें सब मिलकर मोहम्मद। उनका कुरान लेकर आना तो याद है मगर कुरानी मैसेज क्या दिया वो इस मुल्क के लोगों को नहीं याद है। हाँ, जो दूसरा मैसेज दिया वो आज भी जहाँ वो हैं, अजमेर में उनकी जो बारगाह है उसके बाहर लिखा हुआ है ऊपर। मैंने खुद देखा था, अब भी है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं किसी जब तालिब इल्मी ज़माने में जाता था कभी कभी अजमेर, वहाँ मैंने खुद लिखा हुआ देखा था, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन, सरदार ददाद दस दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाह हस्त हुसैन। सारे हिंदुस्तान को ये याद रह गया। इससे पहचान लो कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने बता दिया, जो इसे याद रखेगा वो कुरान भी समझेगा, इस्लाम को भी समझेगा। सब मिलकर सलावत पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। देखिए, कोविड-19 की पाबंदी के साथ सारी गुफ्तगू है, अखबारात में शाये किया जा चुका, उसी पर अमल भी है कि हमारे यहाँ इतने लोग होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। जो हैं वो अपने टीवी पर सुनेंगे, चैनल्स के ज़रिए सुनेंगे, नेट है उस पर जा रही है मजालिस हर तरफ। तो आइए हम फिर वापस चलते हैं जिस आयत से मैंने आपके सामने बात शुरू की है, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम। इस आयत के साथ एक आयत और पढ़ता, ठीक है, ये दोनों मैं बात के लिए छोड़ता हूँ क्योंकि फिर बहुत वक्त सर्व हो जाएगा। यहाँ सिर्फ इतना दलील के तौर पर पेश करूँ। जो कहते हैं कुरान समझ में आ गया, हमने कुरान समझ लिया, भाई जब तक समझ में नहीं आएगा आदमी चुप रहेगा, समझ में आएगा तो बोलेगा, अब ये बोलना या कुरान की मुवाफिकत में होगा या मुखालिफत में होगा। अगर उसने अहले बैत के रास्ते से कुरान को समझा मौला अली के खुतबे का एक जुमला सुनो, मानते हैं मौला अली को? हम कैसे नहीं मानेंगे, उस वक्त के बड़े बड़े मुखालिफीन मानते थे तो हम क्यों ना मानते? उस वक्त के बड़े बड़े मुखालिफीन भी मौला अली को मानते थे। तो ये चाहने वाले कुरान या मुवाफिक या मुखालिफ, अली को मानते हो कह दो नज़रुल बलागा भी माज़ल्लाह माज़ल्लाह यूं ही है, ऐसा तो नहीं है। नज़रुल बलागा उसके पूरे खुतबे का एक जुमला सुनो, उसके तमाम खुतबात में से एक खुतबे का एक जुमला सुनो, मौला अली का जुमला है। इन्नल कुरान ज़ाहिरहु अनीक़ व बातिनहु अमीक़ ला तुफ़्ना अजाइबहु वला तकशिफ़ु ज़ुलुमात इल्ला बिह ला तुफ़्ना अजाइबहु वला तंक़ज़ी ग़राइबहु वला तकशिफ़ु ज़ुलुमात इल्ला बिह। एक ही फ़िक़रे का तर्जमा कर दूँ, इन्नल कुरान ज़ाहिरहु अनीक़, बाद में इन्नमल कुरान लिखा। यकीनन मौला अली फरमा रहे हैं, यकीनन कुरान का ज़ाहिर बहुत खूबसूरत है मगर इसका बातिन बहुत गहरा है। हमें जिसकी गहराई अली कह दें हम कहें हम समझ गए। ये मैं एक अलग जाविये से आपके सामने बात कर रहा हूँ, एक अलग रुख से बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ सारी दुनिया में जा रही है। सब रात लखनऊ 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 में ये लखनऊ में वो, ये भी सुनो। लखनऊ पर एतराज़ करने वाले लोग ये याद रखें कि उर्दू ज़बान में आज आपके पास जितना मैटर है, चाहे वो कुरान से मुताल्लिक़ हो, अहले बैत अथार से मुताल्लिक़ हो, उसका बेहतरीन बुनियादी मदरसा लखनऊ है। और जब लखनऊ बुनियादी मदरसा है तो ये भी याद रखना है लखनऊ में कौन कौन कब कब आते गए और पढ़ाते गए, ये तारीख बाद में आएगी। हम वापस चलते हैं 1400 बरस पेशतर, 1500 बरस पेशतर। ये आज पहला दिन है, 1443वां सन है हिजरत का। हुजूर की हिजरत 1443 साल हुए, आज पहली तारीख, कल हो चुके, ये शुरुआत हो गई 1443वें सन का पहला दिन। ठीक है ना मौलाना? तो 1443 साल में 13 साल वो जोड़िए जो मक्के में हैं, कितने वे? 56। 1456 साल हुए मक्के से कुरानी आवाज़ को। 1456 में 40 साल और जोड़िए जो हुजूर खामोश रहे। तो 1496 साल हो गए, नहीं हुए ना भैया? आप बड़े रियाजी के माहिर हैं, बताइए। ठीक है सर, जोड़ रहा हूँ। 1456 साल, 96 साल, यानी 4 साल कम, 1500 साल। अब 400 साल जो 1500 साल में होते हैं, 1500 साल, यही हुआ ना लखनऊ की जबान में 1500 साल। इनमें से वो 40 साल माइनस करो, वो बाद में कहूँगा। फिर उसके बाद हमारे सामने जो 1456 साल, तवज्जो करना, 1456 साल में सबसे पहला कुरान का पैगाम क्या आया। 100 में तमाम बरादरान इस्लाम से भी और तमाम मेरे हिंदुस्तान के, भारत के और मुल्कों के जो भाई हैं जो इस तवज्जो से सुन रहे हैं, सुनेंगे इन बातों को, उनसे कह रहा हूँ जस्टिफिकेशन करना, इंसाफ करना पढ़े लिखे इंसान का फरीज़ा है कि वो इंसाफ से बात को सुने और कहे। इंसाफ से हटना जहालत का नाम है। सारा हिंदुस्तान कितना ही बड़ा पढ़ा लिखा क्यों ना हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के आगे जाहिल है। मुल्क की आला अदालत के सामने जाहिल है। कुछ भी कहो वहां से जो आ जाएगा मानना पड़ेगा। बड़ा पढ़ा लिखा पीएचडी, डॉक्टरेट, ये वो, उसके बाद कितनी चीज़ों में पीएचडी करके विक्टोरिया स्ट्रीट पर, यहाँ लखनऊ में विक्टोरिया स्ट्रीट पर चला, लोगों ने देखा कि दाहिनी तरफ गाड़ी लेके जा रहा है। कहा भैया आप क्यों चल रहे हैं? कहा मैं एक्सपर्ट हूँ, कोई एक्सीडेंट नहीं होने दूंगा, लेकर जा सकता हूँ। जी नहीं, ये आप कैसे करें? भैया आप मुझको मत समझाइए, मैं पीएचडी हूँ, डॉक्टरेट किए हुए हूँ, ये सब किए हुए हूँ, इतना पढ़ाता हूँ, फला फला जगह इतना पढ़ा चुका हूँ, इतना काबिल आप मुझसे कह रहे हैं, मैं इधर क्यों चल रहा हूँ? आप कितने ही पढ़े लिखे हों, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बाई तरफ चलो, सारी डिग्रियां आपकी बेकार, उस हुक्म के आगे इधर चलो। तो सारी डिग्रियां खत्म हो गई एक कानून के आगे, छोटा सा कानून, आप कहीं भी नहीं निकल के जा सकते अदालत से। अदालत, जस्टिफिकेशन, इंसाफ। मैं आवाज देता हूं दुनिया के तमाम पढ़े लिखे लोगों को, इंसाफ करना, कुरान फहमी। हम कुरान जानते हैं, हम कुरान समझते हैं, हमने कुरान समझ लिया। अभी कुरान करीम की तमाम 114 सूरतें बाद में आएंगी। पहली सूरत इकरा, किससे कहा गया? हमारे नबी से फरमाया गया इकरा। इसको आज नहीं पढ़ूंगा इंशाल्लाह, आगे छोड़ता हूं इस बात को। जिनसे पहली बार कुरान आकर ये कह रहा है इकरा, पढ़िए, 40 साल जिसको किसी से पढ़ते हुए नहीं देखा गया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, वहां पर जिसको किसी से पढ़ते हुए नहीं देखा गया। हम यहाँ गए जी, बच्चे थे वो दाखिल किए गए, बिस्मिल्लाह ये वो पढ़ाना शुरू किया गया। ज़रा और बड़े हुए, उन्होंने कहा जी इनको 5वें में दाखिल कर दो, 6ठे में दाखिल कर दो, जी हुसैनाबाद में अर्शिया कॉलेज में, जी वहाँ इस्लामिया कॉलेज में, फला कॉलेज में। पढ़ते गए पढ़ते गए, यहाँ तक कि अब आपके सामने आकर कहने लगे हम ग्रेजुएट हो गए हैं। फिर आए हमने डॉक्टरेट कर लिया है। ये सब आप कर चुके हों, लेकिन कोई आपसे कहने वाला ये नहीं आएगा पढ़ो। उससे कहा जा रहा है 40 साल के सिन पर पढ़ो, जिसको किसी से पढ़ते हुए नहीं देखा गया। अब तो मान लो कि उसका कोई कौल, फेल, अमल दुनिया के सामने जो हमारे लिए हो, कोई भी कौल, कोई भी उसका हुक्म बेकार नहीं है। वो खुद कह रहा है, क्या तुम सोचते हो तुमको यूं बेकार पैदा किया गया है? नवा खलकला को अबसा, नहीं, बेकार नहीं। जहाँ सब कुछ है, सारी कायनात जिसकी है इशारे पर खल्क, वो कह रहा है किसी से इकरा, पढ़ो। और सारी दुनिया के तमाम मौरखीन ये तहकीक करके बता देंगे कि नहीं पढ़ा किसी से। जब किसी से ना पढ़ा हो और वो कहे कि पढ़ो, तो अब तो मान लो कि उसका पढ़ाया हुआ है। बुलंद आवाज से सलावत मोहम्मद वाले, तो मानो कि उसका पढ़ाया हुआ है। और ये सूरा, एक और सूरा, 3 सूरों को की बात छोड़ते हुए, सूरह अलम, सूरह मुद्दस्सिर, सूरह इकरा, इन 3 को छोड़ते हुए चौथी बात कहूं। पहले तमीज़न कुछ कह लूँ। देखिए, अरब की सरजमीन पर उस वक्त और आज भी अरब को अपने ऊपर इतना नाज था कि वह अपने सिवा सबको अजम कहता था, गूंगा। इतने ही अपनी अरबी पर उनको भरोसा और नाज था। जिस अरबी ज़बान पर उनको इतना नाज था कि हमारे सिवा कौन। लिखी हुई अरबी की बात नहीं है, अरबी ज़बान में जब वो बोलते थे तो उसको भी मौरखीन ने लिखा कि अरब के काफ़िले नाका सवार जब अपने नाकों को लेकर दौड़ाते थे रेगिस्तानों में, तो उस वक्त वो अपने नाकों की रफ्तार तेज़ या कम अगर करना होता था तो कुछ अशार अरबी के इस लहजे से पढ़ते थे कि जानवर उस रफ्तार को बढ़ा लेता था उस लहजे को सुनकर और घटा देता था उस लहजे को सुनकर। यहाँ मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, लेकिन मैं अब वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मुझे अपने वक्त अंदर बात ख़त्म करना है, इसलिए मैं नहीं पढ़ूँगा। हम कूफे में मौलाना तालिब जौहरी हम दोनों चले गए थे, उनमें शौक़ी बहुत थी हमारे दोस्त में, तो हम दोनों अक्सर छुट्टी के दिन निकल जाते थे। छुट्टी चलो दरिया किनारे बैठेंगे, वहाँ बातें होती थी। सामने पुल जा रहा था जैसे, और ये शत्ते फुरात। तो एक दिन हम लोग अंदर चले गए, बहुत दूर तक वहाँ खेती थी, उस खेत के एक जगह रेहट चल रहा था, एक घोड़ा रेहट को चला रहा था, वो घूम रहा है और रेहट चल रहा है, पानी निकल रहा है, खेतों में जा रहा है। मौलाना मरहूम हमसे कहने लगे, हमारे बेहतरीन दोस्त थे अल्लामा तालिब जौहरी, आप सब नाम जानते, तो उन्होंने कहा कि हमीद साहब एक काम करें। मैंने कहा कहिए। कहने कोई दूर दूर दिखाई नहीं दे रहा है इन खेतों का मालिक, एक काम करें। मैंने क्या? कहने इस घोड़े को रोक दें। तो मैंने कहा ये तो गलत हो जाएगा, आप घोड़ा रोक देंगे फिर घोड़ा आपकी सुनेगा कैसे? अच्छा, वो कुछ अरबों में रहते थे ज़्यादा, तो उनकी आदत भी, उन्होंने बातें भी सीख रखी थी। उनका मुझे बताया फलां साहब ने कि घोड़ा जो चलता है ये, इसको रोक लो तो ये कह लो। अभी मैं कह दूँगा ये रुक जाएगा। मैं बड़े ताज्जुब में, ये क्या कहना चाहते हैं? बिल आखिर उन्होंने आगे बढ़कर कहा, मैं बताऊं क्या कहा, आप ना कहने लगिएगा। तो उन्होंने उससे कहा यवाश यवाश। अरबी में यवाश का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता, घोड़े के लिए कुछ और था। यवाश यवाश, वो रुक गया। कहा जल्दी चलिए, वापस चलिए, मालिक आ जाएगा, गज़ब हो जाएगा। हम लोग चले गए, वो रुक गया। अब उसका मालिक पता नहीं कहाँ है, वो वहाँ से आएगा कि भाई पानी क्यों नहीं आ रहा है, थकेगा, फिर से आगे चलाएगा। बाद में वाक़या पेश आया कि एक मौके फिर गए हम दोनों साथ, तो वो ताक में बैठा हुआ था। वहाँ हम लोग को, हमें वालों को जाने का सवाल नहीं था, लेकिन इत्तेफाक वो फिर निकले और फिर गए। उन्होंने दूर तक देखा मैदान खाली, उनको चलिए देखें घोड़ा जो है अब क्या कर रहा है। तो हम लोग वहाँ तक गए जहाँ खेत थे सब, वो कहीं छिपा बैठा था, निकल आया। उसने कहा तुम लोग तलबा हो, तुम हिंदुस्तान के तलबा हो, ये अच्छी बात नहीं की तुमने, ये ठीक नहीं किया तुमने, उस दिन नहीं मुनासिब है। उसने लगा नसीहत करने, बड़ी शर्मिंदगी हुई हम लोगों को। तो अरबी ज़बान का असर ये है कि जानवरों तक के बारे में जानते हैं, क्या कहो तो असर होगा। हम अरबी ज़बान का असर तो जानवर तक ले लें, सलावत पढ़े मोहम्मद आगे निकल। और जो अरबी ज़बान के लिए भी फ़ख्र हो उसको ना समझ पाएँ। तो मैं इतना कहूँ कि उस वक्त के बड़े बड़े अरबी ज़बान के माहिरीन, जिनको अशरुश्शोरा का ख़िताब दिया जाता था, आज भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीए वगैरह के कोर्स में दाखिल हैं। वो अरब के सबअ मुअल्लक़ा, 7 बड़े शोरा के कलाम जो दीवार पर काबे की लटकाए जाते थे, जिसका कलाम सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था, उसको अशअरुश शोरा का खिताब दिया जाता था। तो उस वक्त में एक बड़ा बाज़ार लगता था मक्के में, सारी दुनिया के ताजिर वहाँ आते थे। बाज़ार अक्काज़ कहलाता था, ऐन काफ अली जोए अक्काज़। वहाँ दुनिया भर की तजारती सामान, उसमें बुलंदियों पर खड़े होकर शायर लोग अपना कलाम भी पेश करते थे, लोग सुनते थे और उस पर इनामात। तो उनमें से जिसका कलाम सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था उसको सबसे बड़ा शायर, अशअरुश्शोरा, शोरा में सबसे बड़ा शायर। उनका कलाम खाने काबा पर सोने के हरूफ से लिख के लगा दिया जाता था ताकि इनको शरफ रहे। अब ख्याल करें आप, उस खाने काबा की दीवार पर एक कलाम लगा दिया गया। सिर्फ 3 लाइनें थीं, कुरान की 3 आयतें थीं जो सूरह इन्ना आतैना अल कौसर, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानेका हुवल अब्तर, ये लगी हुई हैं। उसमें अशरुश्शोरा में सबसे बड़ा शायर वहाँ से गुजर रहा है, उसने देखा, रुक गया और उसके बाद उसने क्या कहा जो आज भी तारीख में है, मा हादा कलामुल बशर बल कलाम ओ खालिकिल बशर। ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये इंसान को पैदा करने वाले का कलाम है। हम उस वक्त का अशरुश्शुअरा में सबसे बड़ा शायर ये इकरार कर रहा है ये इंसान का कलाम नहीं है, और हम आज नहीं समझते कि यह इंसान का कलाम है कि अल्लाह का कलाम है। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद, वह नहीं समझते। बस इतना कहूँगा आपके सामने, जिनकी अरबी इतनी थी, कलाम ऐसा था कि दुनिया को अजम कहते थे, और जिनका लहजा ऐसा था कि जानवर पर असर करता था, उनका सबसे बड़ा इंसान उस वक्त का शायर खड़ा होकर ये कह रहा है ये इंसान का कलाम नहीं है, बल कलाम वो खालिकिल बशर, इंसान को पैदा करने वाले का कलाम है। मैं आज की दुनिया से कहूँ, जब खाने काबा की दीवार पर एक खामोश कलाम की 3 आयतें खामोशी के साथ इतना असर करें, तो उसी काबे के अंदर अगर बोलता हुआ कुरान आए, क्या असर होगा? अजीज़ान गिरामी, ये तो मैंने इस पर कहा कि अगर उस काबे की दीवार में कोई बोलता हुआ कुरान आ जाए तो उसका कितना असर होगा। मेरा जहन ढूंढ रहा था कि मैं इस रास्ते से हटूं, अलग आऊं ताकि बात तमाम कर सकूं, पहुंच गया जहन। लेकिन उससे पहले इतना कहूँ कि रात के 1 बजे 2 बजे तक भी आज हम रिकॉर्डिंग हो रही थी, दुनिया में 50 मुल्कों में आवाज़ जाने वाली थी, तो रात को भी सब हो रहा था, हमारी मदद कर रहे थे अली मियाँ भी और हमारे ईमान साहब भी, ये लोग मदद कर रहे थे रात को, मुझे नहीं आता सब। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर अहले बैत था, मैंने रात को भी इसको बयान किया, चूँकि सवाल ये था, शायद कांगो से या अफ्रीका के किसी मुल्क से वो मुझसे बात हो रही थी, उसमें वो सवाल कर रहे थे, आज की दुनिया को आप ये समझाइए कि यजीद जीता कि इमाम हुसैन जीते, फतह किसकी हुई। मैंने उस पर बात की तकरीबन 40 मिनट। यहाँ आज की बात ख़त्म करने के लिए इतना कहूँगा, जब दीवार काबा पर खामोश कलाम, दीवार काबा के अंदर आगोश में बोलता हुआ कुरान, अब यही कुरान अगर किसी नेज़े की अनी पर हो, किसी कटे हुए सर से आवाज आए, उसका असर आज तक है। यजीद की हार, ये मैंने रात को नहीं कहा, यहाँ कह रहा हूँ, यजीद की हार और इमाम हुसैन की फतह ये थी कि तू ये कह रहा था कि मा जा अबही वही वला नजल, न रसूल पर वही आई न कुरान आया, तो देख यही कुरान एक कटे हुए सर से बुलंद होगा, नेज़े की अनी पर बुलंद होगा, और दुनिया गवाह होगी कि हाँ लम्हाए मुबारक जुम्बिश में थे। इन्ना साबल कहफ़ वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। वो इमाम हुसैन, वो करबला, आज पहली मुहर्रम है। मैं आज की तारीख आपके सामने मदीने से चलना बयान किया करता हूँ, बस चंद रोज़े। कल 2 मुहर्रम करबला में काफिला पहुँचेगा, आज करबला से करीब है, तो इसको सुन लीजिए। जब इमाम, मेरे आपके मज़लूम इमाम, मदीने से चलने लगे, अपनी मादर गिरामी की कब्र पर आए, दूर से आवाज़, अस्सलाम अलैक या उम्मा, मादर गिरामी आप पर मेरा सलाम। तारीखों में के बाद साहिबान कबूर ने कब्र के अंदर से जवाब दिया। उसमें एक हज़रत मरियम का भी वाक़या है, जिसको मैं बहुत पहले अपने घर की मजलिस में पढ़ा है। मैंने, मेरी फूफी मरहूमा थी, हमारे उस्ताद और फूफा थे मौलाना सादिक साहब क़िबला, उनकी अहलिया मेरी फूफी थी। उनके इंतकाल पर उनकी मजलिस में मैंने पढ़ा था। अब की याद आ गया, दिल चाहता है किसी दिन आपके सामने सुना दूँगा हज़रत मरियम का इंतकाल, जिस पर मेरे उस्ताद मरहूम मौलाना इब्न हसन साहब क़िबला नहरवी ने उसी मजलिस में मुझसे कहा था, ये तुमने जो आज पढ़ा, ना कहीं पढ़ा, ना सुना, ना देखा, अब आज के बाद ये तुम्हारा हिस्सा हो गया। बहुत खुश हुए थे। और आपने भी शायद ही सुना हो हज़रत मरियम की वफ़ात का वाक़या, किसी ने सुनाऊँगा। वो आए, जिन कब्रों से आवाज़ है, उनमें हुजूर की कब्र से भी आवाज़ आई, जवाब दिया गया है। उसमें मेरे और आपकी शहज़ादी आवाज़ अपने बेटे की सुनी, अस्सलाम वालेकुम या उम्मा, ए माँ आप पर सलाम। कब्र जुम्बिश में आई, आवाज़ आई, अलैकस्सलाम या गरीब अलुम या मजलूम अलुम या शहीद अलुम, अपने माँ के गरीब उलवतन बेटे तुझ पर भी तेरी माँ का सलाम। आए, कब्र पर सर रख दिया, कुछ बातें शुरू की। कितने में किसी और के आने की चाप महसूस हुई, देखा चाहने वाली बहन ज़ैनब आ रही है। आकर खुद को कब्र मासूमा पर गिरा दिया, आवाज़ दी, अम्मा आपने कुछ सुना? तारीख का फ़िक्रा है, जनाब ज़ैनब की ज़बान से, हल समेते खाला किताबत यजीद, ए अम्मा क्या आपने यजीद के ख़त का हाल सुना? उसने लिखा है कि मेरा माजा या तो उसकी बैत करे, वरना उसका सर काट के उस तक भेज दिया जाए। मैं नहीं कह सकता इमाम ने कैसे बहन को संभाला होगा या बहन ने कैसे भाई को संभाला होगा। साथ सहारा दे के घर लाए होंगे। हुक्म दिया गया, बस अब मदीना छोड़ देना है। अबुल फजल अब्बास आइए, इंतज़ाम आपके हवाले है। रास्ता है, रेगिस्तान है, सहरा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी का ख्याल रखा जाए। बीवियाँ हैं, गर्मी है, तमाजत है, धूप है, सहरा है, अमारियों में पर्दे ख़ास तौर से ख्याल रखा जाए। मोहतमिम कारवां अबुल फजल अब्बास, 2 रवायतें यहाँ पर हैं, दोनों को जमा करके हमेशा पढ़ा करता हूँ, बस वही पढ़ दूँगा और बात ख़त्म। तमाम सवारियाँ दुरुस्त की गईं। एक रावी जो कूफे से चलकर आया है, वो एक टीले पर जाकर बैठ गया, जा रहा था वापस। जब सुना कि रसूल का नवासा मदीना छोड़ रहा है, तो ये ख्याल करके जाके टीले पर बैठ गया कि चलते वक्त इब्ने ज़ियाद को देखा था, ज़रा देखूँ रसूल के नवासे की शान क्या है। एक और भी रावी साथ बैठा है, देखा कुछ एक कुर्सी लाके रखी गई, जिस पर एक बहुत नूरानी चेहरे वाली शख्सियत आकर तशरीफ फरमा हुई। कुछ नाके सामने लाए गए, देखा कुछ जवान हैं जो यहाँ और वहाँ टहल रहे हैं। इतने में देखता है कि 2 कमसिन बच्चे एक मकान के दरवाजे में गए, वहाँ से एक मुअज़्ज़मा को साथ लेकर निकले। एक ने बढ़ के नाके को करीब लाकर ज़मीन पर बिठाया, दूसरे भाई ने बाजू को सहारा दिया, जमीन पर बैठ गए। उन बीवी ने जानू पर कदम रखे, दूसरे भाई ने सहारा देकर सवार किया। घबरा के पूछा, ये बतलाओ ये कौन मौजमा थी जिनको ये बच्चे सवार करा रहे हैं? कहा तुम्हें नहीं मालूम, ये बेवा इमाम हसन है जिनको उनके बच्चे सवार करा रहे हैं। कहता है इतने में मैंने फिर देखा एक और मकान के दरवाजे का पर्दा हटा, एक बीवी बाहर आई, चादर में मरफूफ बाहर आई, एक जवान सहारा देकर उनको चल रहा है। हवा की वजह से उसकी जुल्फे उसके रुखसार पर लहरा रही हैं, उसके दोष पर एक नेजा रखा हुआ है, चेहरा चांद की तरह चमक रहा है। नाका करीब लाया गया, बिठाया गया, वो जवान जमीन पर बैठा, बीवी ने जानू पर पैर रखे, बाजू को सहारा देकर सवार किया। पूछा, बता खुदारा ये कौन जवान है? कहा तुझे नहीं मालूम, ये इमाम हुसैन का 18 बरस का जवान अली अकबर है जो अपनी माँ लैला को सवार करा रहा है। कहता है इतने में मैंने देखा कि एक और मकान के दरवाजे का पर्दा हटा, एक और बीवी बाहर आई जिनके बाजू को सहारा दिए जो चल रहा था, उसका चेहरा शेराना जाहो जलाल था, मगर उन बीवी की रफ्तार में उदासी थी। नाका करीब लाया गया, बिठाया गया, वो जवान जमीन पर बैठा, बीवी ने जानू पर कदम रखे। पूछा ये कौन? कहा ये इमाम हुसैन की बहन उम्मे कुलसूम जिनको उनका भाई अबुल फजल अब्बास सवार करा रहा है। अबुल फजल अब्बास सवार करा रहे हैं। बस सुनिए, कहता इतने मैंने देखा जो जवान यहाँ वहाँ टहल रहे थे वो एक जगह जमा होना शुरू हो गए। जो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग कुर्सी पर बैठे थे वो उठकर एक मकान के अंदर चले गए। उस दरवाजे के सामने जो नौजवान खड़े हुए थे उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली, तलवारों का साया किया, तलवारों का साया करके दुरोया सब बना के खड़े हो गए। कहता है मैंने देखा वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बरामद हुए, एक मुअज़्ज़मा साथ साथ आ रही है, तलवारों के साए में सर झुकाए, एक नाका लाया गया, वो बुजुर्ग जमीन पर बैठे, मौसमा ने जानू पर कदम रखा। घबरा के पूछा खुदा ना बताओ ये कौन? कहा ये ज़ैनब है जिनको उनके भाई हुसैन सवार करा रहे हैं। तो मैं बात तमाम कर दूँ, मदीने से ज़ैनब इस शान से चली, हाय करबला अकेली ज़ैनब, सामने लाशें पड़े हुए हैं, दूर दूर तक कोई नहीं है सवार कराने वाला।